Guys, welcome back to my channel. In this video, we will learn about how to change one part of speech with another part of speech. Our first rule is noun ko verb mein badal kar, yani ki jo noun hota hai use hame verb mein badalna hota hai. For example, he got success in his efforts. Ye hamara ek sentence hai. Ise jab hum verb mein change karenge to ye ho jayega. He succeeded in his efforts. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम गेव हिम एडवाइस. जब हम इसे वर्ब में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राम एडवाइज्ड हिम. आवर नेक्स्ट रूल इज वर्ब को नाउन में बदल कर, यानी कि जो वर्ब है उसे हमें नाउन में चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही प्रोमिज टू हेल्प मी. जब हम इसे नाउन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही मेड अ प्रोमिस टू हेल्प मी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज्ड ऑल वी प्रपोजल. ये जो है एक वर्ब का सेंटेंस है. जब हम इसे नाउन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही रिफ्यूज ऑल आवर प्रपोजल. वी को आवर में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा. आवर नेक्स्ट रूल इज नाउन को एडजेक्टिव में बदलकर, यानी कि जो नाउन का सेंटेंस होगा उसे हमें एडजेक्टिव में चेंज करना है. आई डो नॉट नो हिज इनोसेंस. जब हम इसे एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई डो नॉट नो डैट ही इज इनोसेंट. नेक्स्ट रूल, एडजेक्टिव को नाउन में बदलकर, जो एडजेक्टिव का वर्ड या सेंटेंस होगा उसे नाउन में चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट. जब हम इसे नाउन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट. नेक्स्ट रूल, नाउन को एडवर्ब में बदलकर, जो नाउन का वर्ड या सेंटेंस होगा उसे एडवर्ब में चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे. जब हम इसे एडवर्ब में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे को डेली में चेंज करेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा. नेक्स्ट, एडवर्ब को नाउन में बदलकर, ही स्पोक टू मी एंग्रीली. जब हम इसे नाउन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही स्पोक टू मी इन एंगर. आवर नेक्स्ट रूल इज एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलकर. फॉर एग्जाम्पल, ही पुट अ ब्रेव फाइट. जब हम इसे एडवर्ब में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही फॉट ब्रेवली.